गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि। दोस्तों, आज हम 7 अगस्त 2020 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जो हिरोशिमा शहर के में इसका जो एटम बम है इसका नाम क्या रखा गया, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, लिटिल बॉय था उस एटम बम का, क्या नाम था, लिटिल बॉय। अब हम बात करते हैं जापान की। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी है? येन है। और जापान के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शिंजो आबे हैं। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर जो दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही प्रोवाइड करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया अवार्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, इसका आंसर आएगा यतीश यादव। ये पुस्तक किसने लिखी थी? यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। यतीश यादव हैं कि जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। यतीश यादव कौन है? जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में यंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? यंगस आवास मेला का आयोजन कहाँ पे किया है? दोस्तों, यंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रथम राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ही वर्तमान में ही गिरीश चंद्र मुर्मू को वहां से इस्तीफा दिला दिया गया है। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू को CGA बना दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा दोस्तों इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय रेल मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य रेल मंत्री भी रह चुके हैं, सॉरी राज्य रेल मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसमें दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, दादर नगर हवेली व दमन व दीव को एक कर दिया गया है। दमन व दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में इसको दादर नगर हवेली व दमन व दीव शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं दादर नगर हवेली की बात। राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। उपराज्यपाल कौन है? इसके अनिल बेजला है। कौन? अनिल बेजला। और प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। दोस्तों, यहाँ पर दो उपराज्यपाल भी है प्रशासक, क्योंकि दमन वैदी और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के साथ किसके साथ समझौता किया है? अमेज़न के साथ। किसके साथ किया है? अमेज़न के साथ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्लाउड समाधान के लिए भारतीय एयरटेल ने अमेज़न के साथ समझौता किया है। और जो भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय, भारतीय एयरटेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, भारतीय एयरटेल के CEO कौन है? दोस्तों, गोपाल विट्ठल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? मैं आपको ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये मंत्रालय है, अब की बार नया ही बना है केंद्रीय जल शक्ति।
करना है ये आपके सामने, और इन्हें केंद्र राज्यपाल उपराज्यपाल बनाया गया है, सॉरी उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर राज्य का क्या बना दिया, इनको उपराज्यपाल बनाया गया है। सिन्हा को जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल नियुक्त किया, इससे पहले जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मॉर्गन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे। जो जॉन मॉर्गन है वो किस देश के हैं दोस्तों? ये दोस्तों इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं जॉन मॉर्गन। ठीक है, यहाँ से हम बात, जॉन मॉर्गन इंग्लैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने 163 मैचों में 211 छक्के लगाए हैं।